मैं आखिरी बात जो आज की कह रहा हूं वो ये, मैंने पिछले दो वर्षों में, मैं होम्योपैथी की भी चिकित्सा करता हूं, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजीव भाई ये, तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भैया आपको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी। मैंने कहा एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हांडी में रखी हुई दाल खाना शुरू करो, चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का। कहने लगे राजीव भाई कौन करेगा ये सब। मैंने कहा आपकी बीवी करेगी या आप करोगे, अगर जिंदगी चाहिए तो झक मार के आप करोगे, नहीं तो अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो फिर भी झक मार के वापस आओ, डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं, तो आप देख लो। तो जो गंभीर मरीज हैं वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहें। तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका यूनिट शुगर यूनिट 480 के ऊपर है, ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में। मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बर्तन ले आओ और शुरू करो। अब बर्तन लाने में तकलीफ हुई तो कुम्हार को ढूंढना पड़ा, तो लेकिन मिल गया। वो 8 से 9 महीना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल, माने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचड़ी नियमित रूप से खा रहे हैं, और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया अपने घर में रोटी बनाने के लिए। बाजरी की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं। 8 महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के, और होम्योपैथी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको। कुछ लोगों को ज्यादा परेशान थे, दवा भी दो, उनको प्लेसिबो दे दिया। प्लेसिबो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खा के अच्छा हो रहा हूं। मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लेसिबो है, वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के, मिट्टी का चावल खा के, मिट्टी की खिचड़ी खा के, रिजल्ट ये है। तब मैंने मान लिया कि बाघभट्ट सच में महान आदमी थे। वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूर्य का प्रकाश ना जाए, पवन का स्पर्श ना हो, तो वो आपके लिए अमृत तत्व है, भोजन नहीं है, वो अमृत जैसा है। ये एक सूत्र पूरा होता है, 8:30 का समय हो गया है, आगे कल दूसरा सूत्र, तीसरा, ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी 15 है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाए। आभार, धन्यवाद।